भीषण गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। बुधवार को अकोला सबसे गर्म शहर रहा, जबकि नागपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अप्रैल के महीने में आंधी और बारिश के दौर के बाद अब मई की शुरुआत से ही विदर्भ का पारा चढ़ना शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मई में पूरे विदर्भ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान वृद्धि होगी। बुधवार को शहर की अधिकांश सड़कें दोपहर में सुनसान नजर आई, क्योंकि नागरिकों ने घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद किया। जो बाहर निकले थे वे सभी गर्मी से बचने के लिए सूती वस्त्रों से ढके हुए थे। नागपुर में मई के महीने में गर्मियों का चरम अनुभव होता है, जब वर्ष का उच्चतम तापमान दर्ज किया जाता है। लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह में मौसम की गतिविधियों के कारण मई में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना थी। शहर के मौसम के हाल पर जानकारी देते हुए मौसम विभाग के उप महानिदेशक एवं वैज्ञानिक ML साहू ने बताया कि मई में सतही हवाएं आमतौर पर उत्तर पश्चिमी होती है। कभी कभी दोपहर के समय हवा तेज और भी तेज होती है, जिससे मानवीय असुविधा बढ़ जाती है। मई के दौरान औसत अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस है। उच्चतम तापमान आमतौर पर महीने के आखिरी सप्ताह के आसपास दर्ज किया जाता है। औसत न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस है, जिससे रातें और अधिक कष्टदायक हो जाती है। नागपुर मई के महीने में गर्मी की लहरों से प्रभावित होता है, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। अभी जो साइक्लोन जो है मोखा, वो अभी भी अंडमान निकोबार के पास है और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और वो बर्मा में जाके हिट करेगा। वो उसका नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, तो बांग्लादेश और बर्मा के बीच में कहीं हिट करना है उसको। 14 तारीख को वो उधर क्रॉस होगा। तो अभी इस साइक्लोन का इफ़ेक्ट हमारे यहाँ पर विदर्भ में कुछ नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मौसम अगले 5 दिन शुष्क रहेगा, कोई बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। लेकिन चूँकि साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में, तो विंड स्पीड हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, तो राजस्थान की तरफ से गर्म हवा अब आना शुरू हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही है। तो उसके चलते जो है टेम्परेचर हमारे यहाँ पे अब बढ़ना शुरू हो गया है, और अभी सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है अकोला में 43 है और वर्धा में भी 43 है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि 14 और 15 को जो है बेस्ट जो विदर्भा है उसमें हीट वेव कंडीशंस हो सकती है। तो 2 दिन हीट वेव की चेतावनी दी गई है, 14 और 15 मई को। बाकी दिन ड्राई वेदर रहेगा और टेम्परेचर धीरे धीरे अब भी बढ़ेगा। हाँ, 45 तो क्रॉस हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अभी 43 ऑलरेडी हो चुका है और अभी टेम्परेचर थोड़ा राइजिंग ही रहेगा, तो इसलिए 45 क्रॉस 2 दिन के बाद में हो सकता है 1-2 जिलों में। शहर में मई में भीषण गर्मी की लहर का भी अनुभव होता है, जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। मई आमतौर पर शहर के लिए सबसे गर्म महीनों में से एक है। आजकल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम और सड़कों के किनारे आपको गन्ने के और भी फ्रूट्स के जूस मिलने नजर आएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी शिद्दत बढ़ चुकी है नागपुर शहर में गर्मी की कि आसपास अब गन्ने के रस और भी जो पेय जल है उनके वितरण की काफ़ी जगहें मिल जाएगी आपको, क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम नागपुर में बहुत पारा चढ़ चुका है। तो राहत पहुंचाने के लिए सड़कों पर भी जो भी लोग निकलते हैं, नागपुर के लोग इन जूस को पीकर अपनी गर्मी से राहत मिलाने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। तो ये थी, इसी के साथ ही गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग ने सतर्क रहने को भी कहा है। ज़्यादा से ज़्यादा धूप में निकलने से बचे, और इस धूप से लू का प्रकोप भी आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। कैमरामैन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय वहीद अंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर।